नमस्कार, स्वागत है आप सभी को YouTube मॉम चैनल पे। प्रेगनेंसी में हेल्दी कैसे रहा जाए, बहुत सारी महिलाओं को ये सवाल होता है कि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए। तो बहुत सारे विचारों से बाहर निकलिए, इस वीडियो को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या टिप्स हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ जाएगी, बहुत इंजॉय कर पाएंगे आप उसको और आपकी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। कई तरह के पेन, खाने की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, बच्चे के ग्रोथ की प्रॉब्लम, एमनियोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम, ऐसी कई प्रॉब्लम है, एक बड़ी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की जो सॉल्व हो सकती है आज की केवल तीन टिप्स से। लेकिन इन तीनों चीजों को आपको बहुत समझदारी से और जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनकी सलाह से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले टिप है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसमें कि आपका फिजिकल मूवमेंट डॉक्टर ने बंद किया हो, बेड रेस्ट कहा हो, अगर ऐसा नहीं है तो जरूर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कंडीशन अलग होती है, अलग एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती हैं। सेकेंड और थर्ड में अलग तरीके से एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी करें, तो सिंपली कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन करना, ब्रीथ इन करना, सांस को अंदर लेना, होल्ड करना आराम से, उसके बाद एक्सहेल करना, सांस को छोड़ देना, सिंपल ही एक्सरसाइज आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज, वॉक कर लीजिए। ये दो चीजें कोई भी महिला कर सकती है। एक्सरसाइज करने से बहुत सारी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स एकदम कम हो जाती हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। कई तरह के पेन है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, भूख न लगने की प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज से हल हो जाती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत आराम मिलता है। दूसरी चीज है डाइट। प्रेग्नेंट होने पे सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है वह है डाइट। डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही आदि, सीड्स एंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फल, इनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी डाइट में छूट रही है, आप इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। और अगर कोई उसके आसान से सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मैं उसके लिए आपको कुछ अच्छे सजेशंस दे सकूं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डाइट आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन, पोषण आपको आपकी फूड से मिलेगा, जिसको कि प्राकृतिक तरीके से लेना बहुत अच्छा है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम अपनी डाइट से पूरी मात्रा में नहीं ले पाते, जैसे कि आयरन, फॉलेट, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है, सेकेंड ट्रिमेस्टर के बाद से डोजेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको उनके सप्लीमेंट्स सजेस्ट करेंगे, तो उन सप्लीमेंट्स के लिए बिल्कुल कैजुअल ना रहें। उन सप्लीमेंट्स को आपको रेगुलर लेना चाहिए, जिस समय बताया गया है उस तरीके से उस समय पे लेना चाहिए। अगर इन तीन मूल मंत्र को आप अपनी प्रेगनेंसी में याद रखती हैं, इनको फॉलो करती हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी को आप बहुत इंजॉय कर पाएंगी और आपकी डिलीवरी भी हेल्दी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।